કડોદરાના વરેલીમાં પરપ્રાંતીય લોકોના ટોળાએ વતન જવાની માંગણી સાથે તોફાન મચાવ્યા બાદ સફાળે જાગેલા સરકારી તંત્ર તેમજ રાજકીય નેતાઓને શ્રમિકોની વેદના સાંભળી તેમને વતન મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. વલસાડા અને કડોદરા ખાતેથી મંત્રી ઈશ્વર પરમાર તેમજ મામલતદાર દ્વારા હજારો પરપ્રાંતીઓ શ્રમિકોને વતન જવા માટેની એસટી બસમાં બેસાડી સુરત ખાતે રેલવે સ્ટેશન મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ શ્રમિકોની ટ્રેન દ્વારા વતન મોકલવામાં આવશે. क्या नाम है आपका? महेश यादव. आप कहाँ जा रहे हो? यूपी. ओके, किसके साथ जा रहे हो और कितने परिवार है आपके साथ? अकेला हूँ मैं, दो आदमी हम भाई. कैसी सुविधा दी गई है आपको यहाँ? तो बढ़िया है. अभी आपको टिकट मिला है? नहीं, मिला नहीं है, मिलेगा. तो आप अभी बिना टिकट के बस में बैठ गए हो? वो बोले कि आप बस में बैठा है, बोले दे रहे हैं टिकट. कब तक? अभी तक टिकट दिया है आपको? अभी तक तो आ गया टिकट वाला, आ गया. क्या नाम है आपका? शिवलाल. कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो? यूपी जा रहे हैं और वो मेरा भाई राम बाबू है, इसके साथ जा रहे हैं. अभी आपको टिकट मिला है? अभी नहीं. तो आप बिना टिकट के कैसे जाओगे? हाँ, मनीष भाई के नाम से जा रहे हैं. कितना पैसा लिया गया आपसे एक टिकट का? 615 रुपया. दे दिया आपने पैसा? आपने पैसा दे दिया है. हाँ. और आपको टिकट मिला है? किसको दिया है आपने पैसा? ये लोग सब बनवाने गए थे, मैं नहीं गया था.